तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, है ना, जो चीजें नहीं पता वो असाइनमेंट आपको मिल चुकी है, उसी में ही लिखते रहनी है, राइट? सो डाइजेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ, मैम, हाँ जी, द फूड दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म सच एज स्टार्च इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फूड, एंड द प्लांट मेक फूड फ्रॉम द सिंपल रॉ मटेरियल सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. दिस फूड इज नोन एज सिंपल फूड. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सिंपल फूड नहीं है। चलिए अब मेरा सुन लो, आपने बहुत चीजें बताई, कुछ ठीक है कुछ गलत है। नाउ आई विल टेल यू इन सिंपल फॉर्म, राइट? सो पहली बात तो, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड इज कॉल्ड एज डाइजेशन, फर्स्ट थिंग। देन व्हाट इज कॉम्प्लेक्स फूड? Which can be broken into its components. That is called as complex food. मैं अभी आपको दोबारा से समझाती हूँ। Then simple food. Which cannot be further broken into small components. That is called as simple food. For example, जैसे मैं एक आपको एक एग्जाम्पल देके या एक जनरल प्रोसेस, एक ये हमारा आपकी मम्मा का एक ये नेकलेस है विच हैज मेनी बीड्स, बहुत सारे मोती है इसमें, ठीक है? ये एक कॉम्प्लेक्स फूड है जिसमें बहुत सारे मोती प्रेजेंट है, बीड्स प्रेजेंट है। जब हम इसके बीच का धागा अगर हम काट दें, अगर हम यहां से धागा काट दें, तो क्या होगा कि ये जो बीड्स है वो क्या हो जाएंगे, वो अलग-अलग हो जाएंगे। अगर हम धागा काट दें तो ये बीड्स अलग-अलग हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ, दिस इज कॉम्प्लेक्स फूड एंड दिस इज सिंपल फूड, राइट? व्हेन मेनी कॉम्पोनेंट, स्मॉल कॉम्पोनेंट्स आर ज्वाइंट टू फॉर्म लार्ज चेन लाइक स्ट्रक्चर्स, इट इज कॉम्प्लेक्स फूड, ठीक है? और कॉम्प्लेक्स फूड क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी चीजों से बना है तो उसको हम तोड़ सकते हैं, बट जब वो टूट गया तो वो स्मॉलर कॉम्पोनेंट्स में आ गया, उसको अब हम फर्दर तोड़ नहीं सकते। इज इट ओके? तो कॉम्प्लेक्स फूड एग्जाम्पल क्या आ जाता है बेटा, एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल है स्टार्च। इसको अगर हम डाइजेस्ट करें तो ये टूटेगा ग्लूकोस में। स्टार्च इज ए कॉम्प्लेक्स फूड, ग्लूकोस इज ए सिंपल फूड। सेकेंड आ जाता है बेटा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बहुत बड़ी बड़ी चेन्स है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स है, देन इट ब्रेक्स इनटू अमीनो एसिड्स। उसके बाद आ जाता है बेटा फैट्स। यस, फैट्स या लिपिड्स, इसको अगर हम तोड़ें तो क्या मिल जाता है हमें, बहुत सारे फैटी एसिड फैटी एंड एसिड्स एंड ग्लिसरोल हम कह देते हैं, इसमें टूटता है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि क्या है, स्टार चीजें कार्बोहाइड्रेट फूड. कार्बोहाइड्रेट है बट इट इज ए कॉम्प्लेक्स फूड एंड ग्लूकोज इज ए सिंपल फूड। प्रोटीन्स सिंपल फूड. आर कॉम्प्लेक्स फूड, अमीनो एसिड्स आर
सिंपल सिंपल फूड, फैट्स आर कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स फूड, फैटी एसिड्स आर सिंपल, सिंपल फूड, ठीक है लिख लो फटाफट से, नोट डाउन, जल्दी से अपनी असाइनमेंट में ही लिख लो फटाफट, ये क्या है, ये पहले तो कॉम्प्लेक्स फूड और सिंपल फूड की डिफरेंस लिख लो, और ये आ जाता है कॉम्प्लेक्स फूड और ये आ जाता है सिंपल फूड। डन बेटा, कर लिया? सेवंथ बी गर्ल्स डन, जिसने कर लिया रेज योर हैंड्स, वेरी गुड। सेवंथ जी आपने कर लिया बेटा, ओके बेटा ओके। देन अब बेटा अब हम बात ये करते हैं कि डाइजेशन में क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, जो हम धागा कह रहे हैं, जो हम कहते हैं बीड्स के बीच में एक थ्रेड है, तो यहाँ पे बीड्स के बीच में केमिकल्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, बॉन्ड्स है। कैसे जुड़ते हैं, जैसे ये ग्लूकोस है, ये बॉन्ड, दिस इज अगेन ग्लूकोस, अगेन बॉन्ड, ग्लूकोस ग्लूकोस, हंड्रेड्स ऑफ ग्लूकोस मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टू फॉर्म स्टार्च, राइट? सो लेट अस से दिस इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द स्टार्च, और ये क्या है, दीज आर केमिकल बॉन्ड्स। तो मॉलिक्यूल्स किससे जुड़ते हैं, बॉन्ड्स से जुड़ते हैं, केमिकल बॉन्ड से जुड़ते हैं, ठीक है। और डाइजेशन में क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड टू गिव, या हम कहेंगे अभी कॉम्प्लेक्स फूड विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, तो व्हाट इज डाइजेशन, डाइजेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ, क्या ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन ऑफ या कटिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, इज इट ओके? यस ठीक है, यस डाइजेस्टिव जूसेस क्या कर रहे हैं, ये वाले जो बॉन्ड्स है, ये वाले बॉन्ड्स को तोड़ रहे हैं, काट रहे हैं, सीजर्स से काट रहे हैं, राइट? सो दिस इज डाइजेशन, राइट? अब क्योंकि यहां पर केमिकल बॉन्ड्स टूट रहे हैं, देयरफोर डाइजेशन इज ए, आगे चलकर आप नेक्स्ट टॉपिक आप करेंगे, इट इज ए यू नो केमिकल प्रोसेस, डाइजेशन, राइट डाउन, डाइजेशन इज ए केमिकल प्रोसेस। आगे आपका एक चैप्टर आएगा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है, तो वहां पे भी आप कनेक्ट कर पाओगे कि केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज होता है जहां पे बॉन्ड्स टूटते हों, दैट इज ए केमिकल चेंज। बोर्ड क्लियर नहीं। तो देख लो, सो डाइजेशन इज ए केमिकल प्रोसेस बिकॉज केमिकल बॉन्ड्स आर ब्रोकन,
ड्यूरिंग डाइजेशन. द प्रॉपर्टीज ऑफ, फुल स्टॉप करके लिख लो, द प्रॉपर्टीज ऑफ सिंपल फूड एंड कॉम्प्लेक्स फूड आर डिफरेंट. प्रॉपर्टीज ऑफ सिंपल फूड एंड कॉम्प्लेक्स फूड आर डिफरेंट. इसलिए ये केमिकल प्रोसेस. अब नाउ टेल मी, हमने खाना खाया, राइट? वी ईट द फूड. सबसे पहले हमने खाना मुंह के अंदर डाला. द फर्स्ट प्रोसेस इज क्या होता है वो? इंजेशन. इंजेक्शन हमने खाना मुंह में डाला, उसके बाद इंजेशन? नहीं बेटा, इंजेशन होगा जब हम मुंह करेंगे इंजेशन. सबसे पहले माउथ में हम क्या करते हैं? चूइंग चूइंग पार्ट एंड होता है. मिक्सिंग ऑफ फूड इन सलाइवा. यस, चूइंग. चूइंग जो है, आपने कहा है, इट हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा. बेटा आप एक काम करो, है ना, कि आप ना रोटी का छोटा सा टुकड़ा लो और मुंह में बहुत टाइम तक रखो. सलाइवा से तो वो भी गीला हो जाएगा, फिर भी हम च्यू क्यों करते हैं? मम्मी आपको डांटती है, टीचर्स आपको पढ़ाती है, च्यू 32 टाइम्स, अच्छी तरह च्यू करके अंदर लेके जाओ. क्यों करते हैं च्यू? एनीबडी? यस, सेवन And to break down बताए. more into small pieces. नहीं, हमने पीसेस में कर लिया, उससे क्या फायदा हुआ? उससे क्या फायदा हुआ? Easy to digest by the body. कैसे कैसे इजी टू डाइजेस्ट बाय द बॉडी? सेवन थे पीछे बॉयज, नो टॉकिंग, सीधे देखो, मिडिल रो पीछे बॉयज. यस, लेट मी आस्क, सेवंथ सी, Swallow सेवंथ down. सेवंथ सी, कार्तिक इज देयर, सेवंथ सी. कार्तिक कौन से सेक्शन में बैठा है? कार्तिक मैथ सेक्शन. हाँ जी, बोलो फिर, वेयर इज कार्तिक? कार्तिक आ जाओ, बताओ. नो यू डोंट नो? मैम, यस, कहना कहाँ पर, कौन सा सेक्शन है? है मैम. 7th जी सेवंथ जी. हाँ जी बेटा, बोलो. मैम, बिकॉज इट मेक्स द फूड सॉफ्ट सो इट कैन इजिली स्वेलो डाउन. अच्छा चलो, ये तो हम ना एक जनरल सी, जो नॉन साइंटिफिक लोग हैं ना वो भी बता सकते हैं. सॉफ्ट हो जाता है, अंदर आराम से चला जाएगा, है ना, उसको छोटे छोटे पीसेस में कर देते हैं. अब लेट अस सी, हमारे माउथ में भी कौन सा, डू यू नो द एंजाइम? ध्यान से सुनना है अब आपने. यू नो द एंजाइम? एक हमारे माउथ में सलाइवा में एंजाइम होता है, एंजाइम होता है जो फूड को कट करता है. सलाइवरी अमाइनेट. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, तो उसने स्टार्च को तोड़ना है ग्लूकोस में. अब लेट अस से, ये खाना है ना, तो बहुत सारे एंजाइम्स ने, ये सरफेस है, वन सरफेस जहां पे एक्ट कर रहे हैं, सेकेंड सरफेस, कितने सरफेसेस है इसके देखो, एक क्यूबॉइड के कितने सरफेस होते हैं? थर्ड, फोर्थ, फाइव एंड सिक्स. कैन यू से इट कि एंजाइम, यस और नो? हाथ खड़ा करो जिसको पता चल रहा है. एक क्यूबॉइड है, स्क्वायर है, कोई भी चीज है ना. लेट अस से ये स्क्वायर है, एक सरफेस ये है, यस और नो? हाँ मैम, जी बेटा, दोबारा कैन यू रिपीट अगेन? टाइम रिपीटिंग.
कि एक ये हमने, लेट अस से हमने कुछ भी खाया, ब्रेड का पीस खाया, एंजाइम ने कहाँ पे एक्ट किया? एंजाइम इस तरफ एक्ट कर सकता है, इस तरफ, जो सरफेस से खाना वही तो एक्ट करेगा, यस और नो? इसके सिक्स सरफेसेस है, सिक्स पे एक्ट कर दिया, यस और नो? यस यस। अब यस हमने क्या किया, अब हमने जब च्यू किया तो हमने हमने ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो कैन यू सी कि एक सरफेस ये और एक ये एक्स्ट्रा आ गया है, यस और नो? यस ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे हम कट करते जाएंगे, नंबर ऑफ सरफेसेस विल इंक्रीज, यस और नो? ठीक है। और जब नंबर ऑफ, अब एंजाइम यहां पर भी एक्ट कर सकता है, यहां पर भी कर सकता है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो दो और सरफेसेस बन जाएंगे। तो क्या हो रहा है, जब हम खाने को च्यू कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सरफेसेस ऑफ फूड वेयर द एंजाइम एक्ट्स विल इंक्रीज और नो? यस ठीक है। देखो दोबारा से, अगर हम देखें कि लेट अस से यहां पे एक्ट किया, यहां पे, यहां पे, यहां पे, ठीक है, लेट अस से। अब हमने इसको यहां से काट दिया, फूड तो उतना ही है, बट दीज आर द टू न्यू सरफेसेस विच आर क्रिएटेड। हमने फिर इसको यहां से काट दिया, अब ये वाले सरफेस जो है ये नए क्रिएट हो गए जहां पे एक्ट कर सकता है। तो जब हम खाना च्यू करते हैं तो न्यू सरफेसेस आर क्रिएटेड एंड देयर इज मोर एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। डू यू एग्री विद मी और नॉट? यस तो व्हाट इज द फंक्शन, यस वेरी गुड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ चूइंग? लिखो जरा आप। एक तो है मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा, सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, क्योंकि जो टीचर इंपॉर्टेंट कहती है वो चीजें आ जाती है, राइट? सो इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ फूड फॉर मोर एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है जी। तो क्या कर रहा है, सिक्स थे, सेवन थे बेटा, बॉयज पीछे नहीं। हाँ जी, पूछना है कुछ आपने? नहीं, पूछना नहीं है। चलिए तो क्या करना है बेटा, दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ च्यूइंग, इंक्रीजेस द एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। अब बेटा च्यूइंग जो है वो कैसी है, च्यूइंग जो प्रोसेस है, इट इज लाइक कटिंग ऑफ द पेपर इंटू स्मॉलर पीसेस, नो बॉन्ड्स आर ब्रोकन। ठीक है, ये सिर्फ हमने कुछ भी, पेपर तो पेपर ही रहा, डाइजेशन थी, स्टार्च टूटा अमीनो एसिड, स्टार्च टूटा ग्लूकोस बना, प्रोटीन्स टूटे अमीनो एसिड्स बने, बट यहाँ पे पेपर को काटा तो पेपर ही रहा। हमने जब च्यूइंग की तो ब्रेड, अगर हमने च्यू की तो ब्रेड ही रही। अब एक्शन से पहले, सलाइवरी अमाइलेज के एक्शन से पहले की बात कर रहे हैं, रोटी काटी तो रोटी ही रही। नाउ टेल मी, इज द च्यूइंग
अब फिजिकल प्रोसेस की केमिकल प्रोसेस, मैंने क्या बताया था कि केमिकल प्रोसेस है जिसमें बॉन्ड्स टूटते हैं, प्रोसेस जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज सबस्ट्रेट से डिफरेंट होती है। तो ये क्या, रोटी तो रोटी रही, ब्रेड ब्रेड रही, केक केक रहा, बट उसके छोटे छोटे पीसेस हो गए। इज इट ए फिजिकल, जिससे मैं पूछूंगी वही, सेवंथ जी वनीत, वनीत इज देयर सेवन जी? Yes. बोलो बेटा, इज इट ए फिजिकल प्रोसेस की केमिकल प्रोसेस? फिजिकल यस, ठीक है, लिखो, हैंड्स डाउन लिख लो, सब अपनी कॉपी में लिख लो कि चूइंग इज ए फिजिकल प्रोसेस, बिकॉज नो बॉन्ड्स आर ब्रोकन, बिकॉज नो केमिकल बॉन्ड्स। एवरीबडी राइट डाउन, टीचर्स प्लीज चेक कि भी ये लिख रहे हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन एग्जाम में देना है मैंने। चूइंग इज ए फिजिकल प्रोसेस, ये आगे फिजिकल केमिकल रिएक्शंस में भी आपको हेल्प करेंगे। इज ए फिजिकल प्रोसेस इन विच नो बॉन्ड्स आर ब्रोकन, वेयर एज डाइजेशन इज ए केमिकल प्रोसेस, डाइजेशन इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच केमिकल बॉन्ड्स आर ब्रोकन। ठीक है जी, चलिए, तो ये हो गया च्यूइंग और डाइजेशन के बारे में, कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड के बारे में। अब हम बात ये करते हैं कि देयर इज वन स्टूडेंट, लेट अस से गुरलीन सेवंथ जी की स्टूडेंट है, गुरलीन, शी ड्रिंक यू नो ऑरेंज जूस, उसके बाद अनदर इज वंशिका ऑफ सेवंथ एफ, सेवंथ एफ की स्टूडेंट है वंशिका, उसके पास बाई चांस जूस नहीं था, शी ड्रिंक्स वॉटर, H2O, वॉटर पिया। ठीक है, और एक सेवंथ डी का स्टूडेंट है, दैट इज चेतन, चेतन ही एट आइसक्रीम, ठीक है जी। और उसके बाद सेवंथ सी का स्टूडेंट है बेटा शबद, ये बहुत समझदार बच्चा है, इसने ही एट कुकम्बर, खीरा लिया वो काटा और इसने ये खाया, इंस्टेड ऑफ हैविंग जूस और आइसक्रीम। तो अब मुझे ये बताना है, सेवंथ डी के स्टूडेंट ने बताना है, दैट इज गौरिश, गौरिश सेवंथ डी, गौरिश आपने मुझे बताना है बेटा इसमें से किस फूड को डाइजेशन की जरूरत है, किसको नहीं है, विच फूड रिक्वायर्स डाइजेशन? आइसक्रीम वांट्स आपने कहा आइसक्रीम, अच्छा, और कुकम्बर कुकम्बर, आइसक्रीम एंड कुकम्बर नीड्स डाइजेशन, राइट? वाटर एंड ऑरेंज जूस डज नॉट नीड डाइजेशन। हाँ जी, मुझे पता नहीं चल रहा है आपने क्या कहा है। हाँ यस। ओके,
सो ही सेड आइसक्रीम एंड कुकम्बर नीड्स डाइजेशन. बैठो बेटा, वेरी गुड. ऑरेंज जूस एंड वाटर डज नॉट नीड डाइजेशन. चलिए हम औरों की भी किसी की हम सजेशन ले लेते हैं कि ठीक बोल रहे हैं कि नहीं. सेवंथ ए आर्यन, सेवंथ ए आर्यन. आर्यन कौन से फूड को डाइजेशन चाहिए और किसको नहीं चाहिए बेटा? ऑरेंज जूस एंड वाटर डू नॉट नीड डाइजेशन. ऑरेंज जूस एंड वाटर डज नॉट नीड डाइजेशन या डू नॉट नीड डाइजेशन. बैठिए बेटा, बैठो. एनी डिफरेंट आंसर, एनी डिफरेंट आंसर. मुझे नहीं पता, सब ठीक दे रहे हैं, बट कोई डिफरेंट आंसर भी किसी का. यस, सेवंथ बी में बेटा, सेवंथ बी मुझे नाम लेना पड़ेगा, नहीं तो हम आगे आगे वाले बच्चों को ही बुलाते रहेंगे. करण ज्योत, करण ज्योत इज देयर. हाँ जी बेटा, बेटा व्हाट नीड्स डाइजेशन, किसी और ने नहीं बताना, करण ज्योत विल टेल मी. हाँ, मुझे सुन नहीं रहा बेटा, जोर से बोल. हाँ, क्या कह रहे हैं बेटा, गर्ल्स बताओ ये क्या कह रहा है बच्चे. नहीं बेटा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आराम से. हाँ, कुकम्बर नीड्स डाइजेशन यस और आइसक्रीम नीड्स डाइजेशन और नॉट. नो. ऑरेंज जूस नीड्स डाइजेशन और नॉट. नो. अच्छा बैठो बेटा, बैठो. एनी डिफरेंट आंसर? यस, सेवंथ. हाँ जी, कुकुम्बर हाँ हाँ बोलो बेटा. आइसक्रीम एंड ऑरेंज जूस नीड डाइजेशन, वेयर एज वाटर डज नॉट नीड डाइजेशन. बेटा ये भी फ्लूइड है, कहना ये भी फ्लूइड है, तो व्हाई ऑरेंज जूस नीड्स डाइजेशन बेटा? मैम, बिकॉज ऑरेंज जूस कंटेन शुगर विच इज अ कार्बोहाइड्रेट. विच इज ए कार्बोहाइड्रेट. वेरी गुड, वेरी गुड. बिल्कुल बात ठीक कही है इन सब ने कि वाटर, वाटर तो सिंपल फूड है ना? इट इज सिंपल न्यूट्रिएंट विच डज नॉट नीड डाइजेशन, वेयर एज ऑरेंज जूस इट हैज कॉम्प्लेक्स शुगर, बिकॉज इट हैज कॉम्प्लेक्स शुगर. शुगर मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, है ना? अगर शुगर्स नहीं पता तो दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स विच नीड्स डाइजेशन, राइट? एंड देन आइसक्रीम में तो है ही है शुगर्स, कुकम्बर में है ही है कॉम्प्लेक्स फूड, बोथ हैव कॉम्प्लेक्स फूड. तो राइट डाउन, इफ फोर फूड्स आर गिवन, राइट डाउन, इफ फोर फूड्स आर गिवन सच एज जूसेस, वाटर, आइसक्रीम्स, कुकम्बर्स एटसेट्रा, इफ फोर फूड्स आर गिवन सच एज ऑरेंज जूस, वाटर, आइसक्रीम्स, कुकम्बर्स एटसेट्रा, देन वाटर डज नॉट नीड डाइजेशन. वाटर डज नॉट नीड डाइजेशन, वेयर एज अदर थ्री नीड्स डाइजेशन. ये नहीं कि भी कोई सा भी लिक्विड पियो तो उसको डाइजेशन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए. हम दूध पीते हैं, दूध में प्रोटीन्स भी है. यस बॉयज, सेवंथ ए, फर्स्ट रो इधर बेटा. सो मिल्क जो है, मिल्क में फूड है, मिल्क में जो है प्रोटीन्स भी है, शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर्स भी है, सो इट नीड्स डाइजेशन, वाटर डज नॉट. तो यहाँ पे एक लिख लो, फूड्स विच डू नॉट
नीड डाइजेशन। अगर हम देखें एक है वाटर, फिर सिंपल अगर हम कोई मिनरल्स ले रहे हैं और सिर्फ विटामिन्स ले रहे हैं तो उनको डाइजेशन नहीं चाहिए। जैसे कोकोनट वाटर है ना बेटा, कोकोनट वाटर में बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स है, उसमें शुगर्स प्रोटीन्स ये नहीं है, सो इट जनरली डज नॉट नीड डाइजेशन। वाटर में कुछ है ही नहीं है, वाटर ही है। अगर हम प्योर मिनरल्स या विटामिन्स ले रहे हैं या किसी फूड में मिनरल्स या विटामिन्स है, दे डू नॉट नीड डाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप ये देखिए कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कितना फिल्टर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या किया, हमने मिल्क लिया। मिल्क हैज कैल्शियम, मिल्क हैज स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम ऑल्सो, इट हैज प्रोटीन, इट हैज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। बेटा हमारे स्टमक में जब मिल्क गया तो इन सभी कंपोनेंट्स में वो अलग अलग हो गया। आप सोच सकते हो कि जो मिल्क है उसके कैल्शियम अलग हो रहा है, प्रोटीन अलग हो रहा है, हाउ इट इज डिफिकल्ट, वी कैन नॉट थिंक, बट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ये कर रहा है, ठीक है। और ये दोनों तो दीज आर एब्जॉर्ब्ड डायरेक्टली, एब्जॉर्ब मीन्स ये ब्लड में चले जाते हैं, नो डाइजेशन, वेयर एज दीज आर डाइजेस्टेड एंड देन एब्जॉर्ब्ड, राइट। सो मिनरल्स, वाटर एंड विटामिन्स, राइट डाउन, मिनरल्स, वाटर एंड विटामिन्स डू नॉट नीड एनी डाइजेशन। डू नॉट नीड एनी डाइजेशन। मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर डू नॉट नीड एनी डाइजेशन, ओके। देन अनदर थिंग, व्हाई इट इज प्रेफर्ड टू हैव ग्लूकोस वाटर एंड नॉट एनी फ्रूट जूस। मैम कहना है आफ्टर स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज करके आए हो, बहुत सारा पसीना चला गया है, तो हम कहते हैं ग्लूकोज का वाटर पी लो। मम्मा ग्लूकोज घोल के दे देती है या कोचेस ग्लूकोज वाटर देते हैं, रादर देन ऑरेंज जूस लो या ये वाला जूस लो या मिक्स्ड फ्रूट जूस लो या अनार जूस लो। व्हाई? यस, सेवंथ ई, सेवंथ ई सेकंड बेंच पे जो बॉय बैठा है, हाँ जी, जिसका हाथ खड़ा है, आगे आ जाओ। मैम, बिकॉज ग्लूकोज प्रोवाइड क्विक एनर्जी। हाउ इट प्रोवाइड क्विक एनर्जी? व्हाई जूसेस डज नॉट प्रोवाइड क्विक एनर्जी? मैम इट इज अ सिंपल फूड। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक ये कहा कि ग्लूकोज जो है वो सिंपल फूड है। ये क्वेश्चन आ सकता है, लिख लो। जो भी लिख रहे हैं बोर्ड पे आप इन बोर्डों पे लिख लो। डज नॉट रिक्वायर डाइजेशन। आप बोलो, फ्यूज आप।
quickly absorbed. And quickly used. टू प्रोवाइड एनर्जी. अगर हम कोई फ्रूट जूस पियेंगे तो उसमें से बहुत सारा क्या है, पहले तो उसको डाइजेशन चाहिए, पहले वो डाइजेस्ट होगा. डाइजेस्टिव सिस्टम, ये नहीं खाया और डाइजेस्ट हो गया, नहीं, इट टेक्स आवर्स. पहले वो डाइजेस्ट होगा, फिर ब्लड में जाएगा, फिर हमें एनर्जी देगा. जबकि ग्लूकोज हमने पिया, डज नॉट रिक्वायर डाइजेशन, क्विकली एब्जॉर्ब इन ब्लड एंड इज यूज. राइट डाउन, ये क्वेश्चन आ सकता है. Why it is preferred to have glucose water and rather than having any fruit juice? Because glucose is a simple food, does not require any digestion. Or third point hai, quickly absorbed and quickly used to provide energy. Is it okay? जिसको ये समझ में आ गया है हाथ खड़ा करो. Yes, very good. चलिए जी. अब बेटा, now another question. Yes. Why should we brush our teeth? Mainly, अगर हम कहें before going to bed. Yes. Who will tell me? सेवंथ सी जपलीन भाटिया. सेवंथ सी जपलीन, आ जाओ बेटा. वेरी गुड. गुड मॉर्निंग मैम. हाँ जी बेटा, बोलिए. क्यों, हमें ब्रश क्यों करना चाहिए रात को सोने से पहले? उनकी जर्म्स प्रेजेंट ना हो. जर्म्स, कौन से जर्म्स होते हैं? इज इट वायरसेस? हाँ, वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं. बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है ना. बैठो जपलीन, आप बैठिए बेटा. सेवंथ बी अपूर्वा, जल्दी से अपूर्वा, क्विक. हाँ जी, आप रीजन बता सकते हो बेटा. हाँ बोलिए बोलिए, अगर बोल रहे हो तो मुझे सुन नहीं रहा. माइक अपने पास लेके जाओ. हाँ हाँ दोबारा से. हाँ, बैक्टीरिया होते हैं. सो दैट, बैठो बेटा पूर्वा, मैं जल्दी से बता देती हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है. क्योंकि बेटा, यस, आप बोलिए कोई भी. हाँ मैम, बिकॉज द बैक्टीरिया इन द फूड कैन ऑल्सो हार्म आवर टीथ. बैक्टीरिया मैम कैन आई कौन से क्लास से बोल रहे हैं? यस हाँ बोलो मैम बोलो. हाँ मैम है ना, कुछ फूड पार्टिकल्स हमारे टीथ में ना फंस जाते हैं मैम. फिर वो हमारे टीथ में जब वो फूड पार्टिकल्स फंस जाते हैं, फिर वो बैक्टीरिया होते हैं उनमें, तो वो यस, थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा. मैं, हाँ जी बेटा बोलिए. मैम व्हेन वी ईट फूड देयर इज अ ग्रेट चांस फॉर बैक्टीरिया टू एक्यूमुलेट इन आवर माउथ थ्रू आउट द होल नाइट मैम, सो वी शुड ब्रश टू किल द बैक्टीरिया. हाँ बिल्कुल ठीक है, हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं. ठीक है, चीजें बताए. यस आप बताइए. मैम व्हेन वी डोंट ब्रश द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ
makes tiny holes on our teeth day by day and it gets bigger and cause cavity. बिल्कुल ठीक है, ये हमने एक जनरल बच्चों की तरह बता दिया। अब साइंस स्टूडेंट्स क्या बताएंगे, ध्यान से सुनो। अब ध्यान से पहले सुनना है, फिर पॉइंट वाइज लिखना फटाफट से, क्योंकि टाइम हो रहा है। तो पहली बात तो ये है, फर्स्ट पॉइंट है, बैक्टीरिया आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन अवर माउथ। ये छोड़ दो कि भी हमारे माउथ में बैक्टीरिया नहीं है, पहले से सभी के ही, ये नहीं कि मैंने तो बड़ा, मैं तो ये पेस्ट करता हूं इसलिए मेरे मुंह में बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया पहले से ही है। सेकेंड पॉइंट है, व्हेन स्वीट फूड, जिसमें शुगर ज्यादा है, स्वीट फूड ऑयली फूड इज ईटन, सम फूड फूड फ्रेगमेंट्स रिमेन इन बिटवीन टीथ। ये हमारे दांतों के बीच में रह जाते हैं। तीसरा पॉइंट है, दीज बैक्टीरिया एक्ट ऑन दीज फूड्स एंड प्रोड्यूस, आपने एसिड्स बेसिस का काम किया है, एंड प्रोड्यूस एसिड्स। बैक्टीरिया हमारे दांतों को नहीं खाते हैं, बट वो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, और इसके बाद क्या होता है, एसिड्स इरोड इनेमल। हमारे दांतों के ऊपर एक कोट है इनेमल का, वो नॉन लिविंग है, वो इनेमल इरोड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। लाइव टूथ इज एक्सपोज्ड एंड बैक्टीरिया, उसके बाद बैक्टीरिया देन ईट्स टूथ। हमारे टूथ के ऊपर बेटा एक प्रोटेक्टिव कवर है नॉन लिविंग बैक्टीरिया, तब तक जब तक वो हमारे इनेमल है तब तक वो हमारे दांतों को कुछ नहीं कर सकते, बट उन्होंने क्या किया, उस खाने को खाया। बैक्टीरिया ने जब उस खाने को खाया तो एसिड्स भी प्रोड्यूस किए, एसिड्स ने वो इनेमल खत्म कर दिया, वो प्रोटेक्टिव जो फिल्म थी वो खत्म हो गई, तो अंदर से लाइव टूथ आ गया, और बैक्टीरिया ने जब उसको खाया तो इन्फेक्शन बढ़ गई, फिर हमारे दांतों में दर्द होना शुरू हो गया और दांतों में होल्स होने शुरू हो गए। इज इट क्लियर? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ टूथ डिके, है ना। तो यहां पर एक लाइन में हम कह सकते हैं, टू प्रिवेंट टूथ डिके, और टूथ डिके कैसे होता है ये मैंने आपको बता दिया। वैसे तो हर खाने के बाद एक बार हमें कुल्ला जरूर करना चाहिए ताकि दांतों में फंसा खाना निकल जाए, और नहीं रात को तो फिर तो बैक्टीरिया मजे से खाना खाते हैं, जो दांतों में रह जाता है उनको सारी रात का टाइम मिलता है। इज इट ओके? यस। आज से जो ब्रश नहीं करता है रात को वो जरूर करे, और अगर ब्रश नहीं करना ना बेटा, नहीं दिल कर रहा बट दिल तो करना पड़ेगा, तो हम क्या करें, गरम पानी ले लें, गरम पानी में थोड़ा सा हम क्या डाल लें, सॉल्ट डाल लें, ठीक है, और उसको थोड़ा सा नहीं थोड़ा सा ज्यादा, और उससे कुल्ला करें। उससे क्या होगा बेटा, जितना एसिडिक फूड होगा वो क्या हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, आपने एसिड बेसिस पढ़े हैं, और जब एसिड बेसिस हो जाएंगे तो हमारे मुंह में अगर एसिड प्रोड्यूस भी होता है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा,
इनेमल हमारा सुरक्षित रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा. इज इट ओके? तो इसलिए हम एक एड सुनते हैं ना कि आपके टूथपेस्ट में नमक है. पता नहीं होता है कि नहीं होता, आई डोंट नो, बट इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड टू डू यू नो माउथ वॉश विद सॉल्टी वॉटर. इज इट ओके? ठीक है. और कल मुझे आपने बताना है कि मैम हमने सॉल्टी वॉटर से कुल्ले किस किसने किए. ठीक है? सो लेट्स विश कि भी आप सबको याद रहे. ठीक है? ओके बेटा, बाय बाय.